हमारी वैदिक संस्कृति में नदियों को लोक माता कहा गया है। माँ यानी पालन पोषण करने वाली, पवित्र करने वाली, जीवन को शुद्ध करने वाली। द्वारका नगरी भी गोमती नदी एवं अरब सागर के तट पर स्थित है। गोमती का उद्गम स्थल द्वारका से 16 किलोमीटर दूर नाना भावड़ा गांव के पास में है, इसीलिए इस जगह को मूल गोमती के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी गंगा का दूसरा स्वरूप है, जिसे वशिष्ठ जी की पुत्री भी कहा गया है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के द्वारका महात्मय के अंतर्गत 5वें अध्याय में एकदम विस्तृत रूप से दिया हुआ है। स्कंद पुराण के महात्मय के मुताबिक कहा जाता है कि गोमती नदी में स्नान करने से मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतना सुंदर महत्व है गोमती नदी में स्नान करने का भी। जिस प्रकार हरिद्वार एवं काशी में माँ गंगा की प्रतिदिन आरती होती है, सायंकालीन आरती, उसी प्रकार गोमती जी की भी आरती रोज शाम को 7 बजे होती है। ये आरती की व्यवस्था भी द्वारका गुगली ज्ञाति के जो 505 समस्त के प्रमुख है उनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा 56 सीढ़ी के सामने गोमती माता का मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन और पूजन की बड़ी महिमा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम संगम हो रहा है अरब सागर का और गोमती नदी का, बिल्कुल एकदम बीच में पट्टा दिखता है, जैसे दोनों का संगम हो रहा है उसी जगह पर। गोमती नदी के तट पर बने हुए घाट बड़ी ही जीर्ण स्थिति में थे। हाल ही में उसका जीर्णोद्धार रिलायंस इंडस्ट्रीज मोटी खावड़ी जामनगर द्वारा कराया गया, और आप देख सकते हैं पूरा ब्रिज बनाया हुआ है और एकदम गोमती स्नान करने वाले लाखों यात्रियों के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। अब माता गोमती जी का संगम जिस स्थान पर समुद्र से होता है, उसी जगह पर संगम नारायण का मंदिर भी स्थित है। संगम नारायण मंदिर के दर्शन के लिए संगम नारायण मंदिर का दर्शन पूजन का विशेष महत्व पुराणों में भी प्राप्त हुआ है। चार धाम एवं सप्तपुरियों में वर्णित द्वारका को चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। संगम देखिए, यह मंदिर से चाहे बयान दे गोमती दरिया नो संगम छे, गोमती नदी ने एक दरिया नो आज सामे संगम छे। पेली बाजू आपेलो मंदिर छे कई ऊपर। चक्रतीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि गोमती और समुद्र के संगम स्थल पर चक्रांकित एक शिला प्राप्त हुई थी, और वो शिला प्राप्त होने के कारण इसे चक्रतीर्थ कहा गया है। यहाँ पर देखिए, श्रद्धालु सब अपना अपना श्रद्धा से जो कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। गोमती नदी में दिया प्रकट करके बहाने का भी एक महात्मय है। तो ये देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु सब दिया प्रकट करके, दिया प्रज्वलित करके गोमती नदी में बहा रहे हैं। तो ये गोमती घाट, यहाँ पर आराम से बैठने से ही पूरा दर्शन होता है, सामने संगम का, मंदिर का, और पूरा नज़ारा ही एकदम अलग है यहाँ पर गोमती घाट का।
कृष्ण यहाँ पर राज किए हैं 100 साल, तो वो माहौल अभी भी ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर आप महसूस करते हैं। तो जय द्वारकाधीश, ज़रूर पधारिए द्वारका।